एक बार दो दोस्त थे जिनका नाम रमन और दिनेश था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में दोस्ती थी। दोनों के घर भी पास पास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर था। दिनेश अपने काम को बहुत जल्दी करता था और ये कोशिश करता था कि वह सबसे पहले काम को ख़त्म कर दे, यानी कि वह बहुत जल्दबाजी में रहता था। और रमन अपने काम को भले ही धीमी गति से करता, लेकिन वह सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करता था, जिससे बाद में उसके किए गए कार्य में कोई दिक्कत ना हो। दिनेश अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन रमन हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता, लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। एक बार रमन और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चल दिए और चलते चलते दोनों में बातों बातों में बहस होने लगी कि मैं तुझसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। अब दोनों दोस्तों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कि कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद रमन रुक जाता है और अपने जूतों में कुछ देखने लगता है। रमन को रुका हुआ देखकर दिनेश रमन से कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गए, क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं सकते? रमन ने कहा, मेरे जूतों में कुछ कंकड़ घुस गए हैं, मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ ही दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊँगा। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता हूँ, और आगे निकल गया। रमन कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकड़ निकाल कर दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूतों में धसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश जमीन पर लेट गया। अब रमन कुछ आगे जा चुका था। दिनेश ने रमन को आवाज़ लगाकर मदद करने को कहा। रमन वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। रमन अपने दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। जब दिनेश का दर्द सही हो गया, अब दिनेश को अपने किए पर पछतावा होता है। यह कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती है। एक, कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए, जैसे रमन ने अपने जूतों से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल लिए थे। उसी प्रकार हमारी अनेक समस्याएं, जो कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है, या कोई और भी समस्या हो, उसे तभी ख़त्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि जब समस्या देखते देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे सही करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी, जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। जैसे दिनेश ने दौड़ में जल्दबाजी दिखाई थी और अपने जूतों में फंसे कंकड़ को निकालना भी ज़रूरी नहीं समझा, और फिर जो नतीजा मिला वो बहुत ही ख़राब था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सही ढंग से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कार्य एक ही बार में सही तरीके से हो सके। तीसरी बात यह है कि हम सिर्फ सफलता को ही सब कुछ मानकर चलते हैं, लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए सभी पहलुओं में कार्य करना चाहिए। जैसे दिनेश का टारगेट सिर्फ रेस को जीतना था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे रेस जीतने के लिए अपने जूते और पैर का सही होना भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ रमन ने रेस जीतने को अपना सीधा लक्ष्य न बनाकर उसे रेस जीतने में उपयोग होने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया, तभी वह रेस जीत सका। धन्यवाद।